नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही कोरोना पर विजय प्राप्त करने का संकल्प करें, लेकिन घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील महापौर दयाशंकर तिवारी ने लोगों से की। शहर में 24 घंटे के भीतर 69 मरीजों की मौत हो गई, सभी गंभीर मरीज होने के साथ ही अस्पताल में भी देरी से उपचार के लिए पहुंचे थे। सोमवार को जिले में 17,047 लोगों की जांच की गई, इसमें 5,661 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 2,84,217 हो गई है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शहर के 5 निरीक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया है। तबादलों के लिए भले ही प्रशासनिक कारण बताया जा रहा है, लेकिन जानकारी मिली है कि इन अधिकारियों के काम से सीपी खुश नहीं थे। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ सदर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि ठेकेदार तय किए गए शुल्क से दोगुनी राशि वसूल करता था। शहर और ग्रामीण में सभी कोविड अस्पतालों में बेड के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाने की जानकारी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने दी। लोगों को एक क्लिक पर उपलब्ध बेड्स की जानकारी देने के लिए नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिस पर एक क्लिक करते ही आईसीयू ऑक्सीजन युक्त और वेंटिलेटर के उपलब्ध बेड्स की जानकारी मिल सकेगी। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने दी। शांतिनगर और कुराड़ी थाना क्षेत्र में दो नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग सहित दो को हिरासत में लिया है। गणेशपेट स्थित एक बड़ी फ्लैट स्कीम की अलग अलग विंग में एक साथ 25 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मनपा ने संबंधित फ्लैट स्कीम के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित घोषित किया। सिटी सहित पूरे जिले में कोरोना महामारी उपाय योजना यंत्रणा की व्यवस्था का 3 दिनों तक अध्ययन करने के बाद केंद्रीय समिति ने जिन भागों में बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं, उनमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई।